गाइस सब्सक्राइब करो मेरे चैनल दीपांश महाजन को और डेली टेक वीडियोस देखो हिंदी में। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपांश महाजन, मेरे चैनल दीपांश महाजन की एक नए फ्रेश कमाल वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ रेडमी प्रो 2 के बारे में। इसकी काफ़ी सारी स्पेसिफिकेशंस और पिक्स लीक हुई हैं, तो मैंने सोचा आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर इसके बारे में बता दूँ। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं Redmi Pro 2 की। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं कैमरा की, तो इसमें आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिला होगा 20 मेगापिक्सल या उससे ज़्यादा का, और वो होगा पॉपअप स्टाइल में, मीन्स एक पॉपअप सेल्फी कैमरा आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं आपको रियर कैमरा की, तो इसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, और जो उसका प्राइमरी सेंसर होगा वो होगा 48 मेगापिक्सल का, और वो होगा सोनी IMX586 सेंसर। सर आपकी पिक्चर्स काफ़ी अच्छी आएंगी, एकदम वाइब्रेंट पिक्स आएंगी आपकी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डिज़ाइन की, तो फ्रंट डिज़ाइन आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रियर डिज़ाइन की, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी की, तो इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फेस अनलॉक की, तो फेस अनलॉक भी आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं प्रोसेसर की, तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 855 देखने को मिल सकता है, जो 8 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर काम करता है। आप इसमें गेमिंग को काफ़ी अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे, पबजी हो और एसफल्ट 9 हो, आप काफ़ी अच्छे से प्ले कर पाएंगे। अगर हम बात करते हैं पर रैम वेरिएंट्स की, तो लीक्स के अकॉर्डिंग इसमें आपको दो वेरिएंट्स देखने को मिल सकते हैं, एक 6 GB और 128 GB वाला, और एक 8 GB और 256 GB वाला। अगर हम बात करते हैं पर बैटरी की, तो इसमें आपको मिल सकती है 4000 mAh की बैटरी फास्ट चार्जिंग के साथ में, और जो फ़ोन है वो क्विक चार्ज 4.0 को सपोर्ट करेगा, मीन्स आप अपनी बैटरी को काफ़ी तेज़ी से चार्ज कर पाएंगे। और इसमें आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ये आ सकता है MIUI 11 के साथ में, जो बेस्ड होगा एंड्रॉइड 9 Pie पर। इसमें आपको 3.5 mm हेडफोन जैक भी देखने को मिलेगा। आजकल हम देखते हैं काफ़ी सारे फ्लैगशिप फोन्स में से जो हेडफोन जैक होता है वो मिसिंग होता है, नहीं देते हैं कंपनी वाले, लेकिन यहाँ पर आपको 3.5 mm हेडफोन जैक भी देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सिम स्लॉट की, तो इसमें अभी कंफर्म नहीं है कि इसमें आपको डेडिकेटेड स्लॉट मिलेगा या एक हाइब्रिड स्लॉट मिलेगा, सिर्फ डुअल नैनो सिम का स्लॉट मिलेगा, ये अभी कंफर्म नहीं है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक्सपेक्टेड प्राइस की, तो इसकी प्राइस हो सकती है 22,000 से 25,000 के बीच में, क्योंकि ये होने वाला एक मिड रेंजर फ़ोन, और इसमें आपको देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन 855। तो अगर ये 22,000 से 25,000 के बीच में लॉन्च होता है, तो बिल्कुल ये तूफान सा मचा देगा, एक तबाही सा मचा देगा, और बिल्कुल मिडविन सेगमेंट को हिला के रख देगा। बस फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो मिल गया, वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे फ्यूचर में मैं जो वीडियोस डालूँ उसकी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। और क्या सोचते हैं रेडमी प्रो 2 के बारे में, क्या आपके अकॉर्डिंग 22,000 से 25,000 के बीच में आएगा, आ सकता है आप, और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से बताइए। मैं दीपांश और मैं मिलता हूँ हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।